हमारे यहाँ डबो रिहैबिलिटेशन एंड लर्निंग सेंटर नाम का एक संस्था चलाता हूँ, जहाँ पे विशेष बच्चों को जो है पुनर्वास किया जाता है, पुनर्वासित किया जाता है। सर, ये जो आज कैंप लगा हुआ है स्वास्थ्य विभाग, इसके बारे में बताइए। आज 8 सितंबर वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे होता है, इसके तत्वाधान में हम लोग हमने जो कैंप निःशुल्क शिविर का आयोजन किया हुआ है। इसमें बच्चों और बड़ों के लिए मतलब कि हमने जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। इसके तहत हमारी कोशिश ये है कि जो लोगों में मतलब कि जो है स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा रैंडम बीमारियां आ जाती हैं लोगों में और दिक्कतें हो जाती हैं और उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है, अगर लोग लगातार जो है अपना चेकअप कराते रहेंगे और दिखाते रहेंगे तो इससे उनको जो बड़ी बीमारियां उनसे बचे रहेंगे, और बड़ी बीमारियों से बचे रहेंगे तो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में थोड़ी सी कम हो जाएंगी। अब तक कितने लोग आ चुके हैं यहाँ पे? अभी तक शिविर में 50 लोग आ चुके हैं। इससे पहले कितनी बार लगाते थे? कौन ये पहली बार हमने शुरुआत करी है और उम्मीद है कि हम आगे भी इसकी श्रृंखला को जारी रखें। इस पे जो पेशेंट को दवाइयाँ भी आप लोग देते हैं क्या? नहीं, अभी तो हमने शुरुआत जो करी है, शुरुआत में हम खाली अभी चेकअप कर रहे हैं, जो बीपी और बीएमआई वगैरह चेकअप होते हैं, नॉर्मल चेकअप, बीपी शुगर और बीएमआई वगैरह चेक हो रहे हैं, और यहाँ पे कंसल्टेंसी फ्री हो जा रही है। फिर आगे हम देखेंगे कि और हम अपनी तरफ से क्या क्या निःशुल्क कर सकते हैं। कोई भी आके यहाँ पे जाँच करा, कोई भी कभी भी जाँच, मतलब कोई भी शिविर के टाइम पे कभी भी जाँच करा सकता है।